मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टेप इन द वुड्स। इस वक्त हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के फोटो जोन में है, जो कि एक नई जोन 2-3 साल पहले ही यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शुरू हुई है। इससे पहले की एपिसोड्स में आपने कॉर्बेट के चिरना, बिजरानी और निकाला जोन के वीलॉग्स मेरे देखे हैं, तो इस बार आज मैं आपको फोटो जोन लेके चल रहा हूँ। आप मेरे पीछे सारा जंगल एरिया देख सकते हैं जिसमें से हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। तो वी आर अप्रोचिंग द एंट्री गेट ऑफ फोटो जोन, जहाँ पे हम अपना परमिट चेक करवा के वहाँ से एंट्री करेंगे और उसके बाद फिर अंदर का एरिया कवर करेंगे। करीब 3.5 से 4 घंटे का टाइम हमारे पास आज रहेगा ये सफारी का। सो लेट्स सी कि आज हमें क्या मिलता है और अंदर जाके जो वाइल्ड लाइफ होगी हम कैप्चर करेंगे वो आपको साथ साथ दिखाएंगे। सो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज फोटो जोन की सफारी। सो हमने अपनी सफारी स्टार्ट कर दी है। अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर खूबसूरत जंगल है चारों तरफ। यहाँ पे ये सामने कुछ वाइल्ड बोर क्रॉस कर रहे हैं, मैं ज़ूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए वाइल्ड बोर, वो सामने 3 वाइल्ड बोर हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, फोटो जोन में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित चंदौला, मैं आपका गाइड हूँ, साथ में हमारे योगेश भाई। कुछ सिंपल से रूल आपको फॉलो करने हैं, कोई भी गार्बेज एरिया पर गाड़ी से नीचे ना फेंके, और सर कोई भी एनिमल दिख जाए तो साउट नहीं करना है, और किसी भी कंडीशन में जब तक हम ना गए आप लोग गाड़ी से नीचे ना उतरें सर। बाकी सर आपकी जंगल सफारी है, जो दिख गया वो आपको बोनस है सर, ठीक है। बाकी लेफ्ट राइट आप लोग वॉच करते रहना, अगर कोई भी वाइल्ड लाइफ आपको नोटिस होती है, कोई भी डाउट होती है तो आप योगेश भाई को बता सकते हैं। सर देखिए टोटल यहाँ 55 मैमल्स हैं, 600 बर्ड्स की स्पीसीज है, पर सर एनिमल लग भाई चांस होता है जी। सर जिस एनिमल के साथ हमारा सर टाइमिंग मैच होगा ना सर, राइट टाइम राइट प्लेस टाइमिंग मैच होती है, वही एनिमल हमें दिखाई देगा। बाकी सर यहाँ लिमिटेड वाटर सोर्सेज हैं, अगर आप समर टाइम में आते हो तो आपको एनिमल स्पॉट की गारंटी दी जा सकती है सर। टाइगर साइटिंग कैसी है अभी यहाँ पे? सर अभी तो सही चल रही सर, वो दिख राइट में सांबर टियर है। ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट डियर है और टाइगर का फेवरेट फूड भी है सर, और ये डियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं। तो गाइस टाइगर मूवमेंट वगैरह के बारे में कुछ आइडिया है, कैसी मूवमेंट है यहाँ पे इस जोन में? सर मूवमेंट तो आजकल सही चल रहा है सर, होता क्या सर कि नवंबर टू मार्च इनका मेटिंग सेशन रहता है सस्टेनेबल जी। तो सर अधिकतर जो सेटिंग होती है फीमेल की होती है, तो अभी क्या सर जो हमारे यूज टू फीमेल है जो हमें दिखाई देती है उनके पास कब से है सर। अच्छा, हाँ तो थोड़ा सा मूवमेंट कम हो जाता है पर मेल टाइगर का मूवमेंट बढ़ जाता है सर। अच्छा, बाकी सर मेल टाइगर बहुत ज़्यादा शाय एनिमल है जी, बहुत कम सेटिंग के चांस रहते हैं। तो यहाँ पे कुल कितने मेल और फीमेल टाइगर्स होंगे जोन में? सर यहाँ पे इतना तो मतलब करेक्ट नहीं कह सकते, पर सर जो रेशो होता है ना सर, एक मेल के साथ 2 से 3 फीमेल, सर एक मेल के साथ 2 या 3 फीमेल हो सकती हैं। अगर अल्फा मेल है तो सर फिर उसके साथ 3 फीमेल का भी रेशो हो सकता है सर। और यहाँ पे कोई ऐसा कोई बड़ा मैसिव मेल है इस जोन में? हाँ सर एक मेल है, पर सर यहाँ टाइगर के नाम नहीं रखे जाते हैं। अच्छा, हाँ जो उसका एरिया हमारे वाटर बॉडी से ऊपर की तरफ का एरिया लगता है जी, और हमारे जोन सर क्या है कि ढीला झरना से लगा हुआ है जी। तो टाइगर यहाँ ओवरलैप करते रहते हैं सर टेरिटरी को। कोई रिसेंट आपको अभी साइटिंग के बारे में कुछ पता है, अभी कल परसों में या इन्हीं दिनों में कुछ साइटिंग? देखिए एनिमल का कोई फेवरेट एरिया या पर्टिकुलर एरिया नहीं होता है सर ना जी। जैसे मेल टाइगर है वो सर अपनी टेरिटरी बना के रहता है, टेरिटोरियल एनिमल होता है, उसकी टेरिटरी सर 5 स्क्वायर किलोमीटर से लेके 20 स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकती है जी। और वो डिपेंड करता है वाटर लेवल पर और फूड लेवल पर, अगर दोनों हाई है तो टेरिटरी छोटी हो सकती है सर, अगर दोनों लो है तो फिर टाइगर को अपनी टेरिटरी बड़ी करनी पड़ती है। अच्छा, और दूसरी बात अगर टाइगर अल्फा है, अल्फा मेल है, पावरफुल है, तो टेरिटरी काफी बड़ी हो सकती है सर। अच्छा, साइबेरियन टाइगर होता है तो उसकी टेरिटरी सर 100 से 200 स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकती है सर। हाँ जी, यहाँ पे नेचुरल वाटर होल्स भी हैं, सारे मैनमेड वाटर होल्स ही हैं। मैनमेड भी है, नेचुरल भी है सर। अच्छा, समर टाइम में एनिमल को वाटर प्रोवाइड कराया जाता है सर, और मेन बात सर यहाँ क्या है सर, यहाँ कोई प्रॉपर रिवर नहीं है जी, स्प्रिंग वाटर सोर्सेज है जी, तो ये वाटर बॉडीज रहती है सर। तो जैसे निकाला जोन में रामगंगा रिवर निकलती है, तो यहाँ इस जोन में से भी कोई रिवर निकलती है कि सिर्फ वाटर होल्स ही हैं? यहाँ ओनली वाटर होल्स है, और यहाँ रिवर है तो सारे मानसून रिवर है सर। अच्छा अच्छा, मानसून में एक्टिव हो रहे हैं। और इस जोन में कोई ग्रासलैंड्स वगैरह भी हैं? सर नहीं सर,
मतलब यहाँ ग्रासन डेवलप किया जा रहा है, अभी टाइम लगेगा सबसे डेवलप करने में ना। अच्छा अच्छा, देखिए स्पॉटेड डियर का एक हर्ड मिल गया हमें सर, एक मेल है उसका, एक 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 तरफ एंटलर टूट गया है। हाँ हॉर्न्स टूट गया उसका ना। हाँ जी, एक एंटलर टूटा हुआ उसका, बाकी सारी फीमेल्स हैं। ये टाइगर के बेसिक फूड है, जब तक ये डियर है तब तक आप लोग खुली गाड़ियों में सफारी कर पा रहे हो। ये एक फर्स्ट वाटर होल हम क्रॉस कर रहे हैं अभी, लेकिन यहाँ पे इस वक्त कोई मूवमेंट नहीं है। अच्छा, एलिफेंट ने तोड़ा हुआ सर। हाँ देखिए, एलिफेंट ने सारा, जब भी एलिफेंट जंगल में चलता है तो पेड़ पत्ते तोड़ते हुए चलता है, क्योंकि उसको खाने के लिए चाहिए होते हैं, और खाने के प्रोसेस में वो काफ़ी पेड़ों को नुकसान पहुँचाता जाता है। बट इससे जंगल का भी फायदा होता है, बिकॉज वो अलग अलग सीड्स जो होते हैं जो वो खाता है, उसके डंग के थ्रू जंगल में अलग अलग जगह पहुँचते हैं। तो हर एनिमल का एक रोल है जंगल के बीच। एलिफेंट गार्डनर है सर जंगल का। हाँ, जो पेड़ तोड़ के गिरा रहा है सर, ये फूड चेन का ही पार्ट है। छोटे बच्चे होते हैं और जंगल की सफाई करना, जंगल को ग्रो करना सब एलिफेंट का काम है। तो यहाँ पे टाइगर्स क्या करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये पर्टिकुलर वाटर बॉडीज हैं, तो वो उन एरियाज को डोमिनेट कर लेते हैं। अच्छा, खासकर फीमेल। अच्छा, पर एक मेल टाइगर की टेरिटरी में 3 से 4 फीमेल्स रह सकती हैं। रह सकती है सर, क्योंकि सर मेल अदर मेल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओनली फीमेल को करेगा। फीमेल टाइगर की कोई टेरिटरी नहीं होती सर। जी, वो जहाँ जाएगी अपनी टेरिटरी बना लेगी। हाँ जी, पर मेल एक दूसरे की टेरिटरी को ओवरलैप करने से बचते हैं सर। अच्छा, बहुत ज्यादा रॉयल इसीलिए कहा गया सर उसको ना। हाँ, इसे फाइट करना नहीं चाहता बेफालतू। हाँ, अब टेरिटरी फाइट हो या मेटिंग फाइट हो, तो जब लास्ट मूवमेंट होता है तभी फाइट करता है, वरना जितना हो सके फाइट से बचता है। बचता है वो। बहुत ही सुंदर जोन है, डेंस जंगल है काफी, अलग अलग तरह के वेजिटेशन है यहाँ पे। पीछे साल फॉरेस्ट था, फिर रोहिणी के पेड़ आ गए, अभी भी काफी मिक्स फॉरेस्ट चारों तरफ चल रहा है। ये देखिए, ये सामने ये टाइगर के पगमा का आप देख पा रहे हैं इस जगह पे। ये अमित जी कितने फ्रेश होंगे, कुछ पता लग सकता है? ये सुबह का ही है सर। अच्छा, सुबह के पगमा से। हाँ, 5 से 5:30 बजे मूवमेंट है, इसमें रोज भी नहीं गिरी है ना। हाँ जी, उधर डस्ट भी नहीं आया सर, ऐसे गया है मेल टाइगर। अच्छा, इस तरफ ये ऐसे आगे निकला है। वो आगे तक पगमा ऐसे सर, सॉफ्ट ट्रैक यूज करता है ना चलने के लिए। जी ओके, देखिए हमें टाइगर की प्रेजेंस के फ्रेश साइन मिल गए हैं। ये नीचे पगमार्क्स हैं, और ये टाइगर ये पगमार्क्स के थ्रू ये आगे जा रहे हैं यहाँ पे। और एक टेरिटरी हमारे कैंपस की तरफ, हम उसे कैंपस वाली बोल देते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, और एक टेरिटरी वाटर बॉडी से फर्क है, उसे ग्रीन वाटर बॉडी के नाम पर उसे ग्रीन वाली बोल देते हैं। अच्छा, तो ये दो टाइग्रेसिस हैं जो सबसे ज्यादा कॉमनली दिखती हैं। कॉमनली तो नहीं दिखती है, पर बोल्ड जब दिखती तो अच्छा साइटिंग है। साइटिंग अच्छा, मतलब ऐसे ये नहीं कि छुप जाएंगी सर, क्योंकि टाइगर कभी कॉमन नहीं हो सकता। कॉमन आप उनको गरीबों की नहीं कर सकते सर। जी, क्योंकि टाइगर एक चीज जानता है, टाइगर अगर शो करता अपने आपको तो उतना भूखा रहेगा। हाँ, उसकी मजबूरी है हाइड होकर रहना है ताकि उसे सर्वाइव कर पाना है। हाँ, निकल गया टाइगर तो। अरे मेल टाइगर काफी सुबह का चला हुआ है, वो चल रहा हुआ अंदर कॉल हो रही है। ये देखिए कितने बड़े पगमार्क्स हैं टाइगर के यहाँ पे, ये देखिए। और ये मेल टाइगर के पगमार्क्स लग रहे हैं, मेल टाइगर के ही हैं। ये देखिए कितने बड़े मेल टाइगर के पगमार्क्स हैं यहाँ पे। और ये पग फ्रेश ही है मैं जी? फ्रेश नहीं है, फ्रेश नहीं है सर, मतलब मॉर्निंग के हिसाब से फ्रेश ही कह सकते हैं ना। ओके ओके ओके। और सर यहाँ सॉफ्ट ट्रैक का जरा पॉप बढ़ा रहा है, वहाँ से हार्ड ट्रैक हार्ड मिट्टी होगी जी, वहाँ जरा से टाइट हो गया, छोटे पग मार आते हैं सर। ओके, फुल साइज है सर। ओके ओके, अब आप पॉ देखिए सर, अभी पॉ बनने से इतना बड़ा है जब ओपन करेगा। हाँ, तो कितना बड़ा होगा। ये देखिए सारे पग मार्क्स चल रहे हैं टाइगर के यहाँ पे साथ साथ। ये टाइगर आज सुबह सुबह इसी रास्ते से होते हुए ये पीछे गया है इधर, जिस डायरेक्शन से मारे हैं। फीमेल के भी हैं पंजे, फीमेल को फॉलो कर रहा है। अच्छा, फीमेल को फॉलो करते हुए क्या? हाँ, मीटिंग सीजन चल रहा था इस वजह से। ओके, इस पूरे रास्ते रास्ते भी चले हैं पग मार्क्स। ये वाटर होल आ रहा है कोई? अच्छा, वॉच टावर ही है इधर भी। वॉच टावर पे जाना स्टार्ट तो नहीं हुआ? अच्छा, नेचुरल है ये। ये देखिए एक वाटर बॉडी भी आ गया हमें, ये एक नेचुरल वाटर बॉडी है यहाँ की।
रुको। इस वक्त मेरे पीछे आप पूरी वाटर बॉडी देख सकते हैं जो कि एक नेचुरल वाटर होल है। यहाँ पे मैंने जिस वीलॉग की मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कुछ टाइम पहले इस वीडियो के स्टार्टिंग में, तो यहीं पे इसी एरिया में मैंने उस वीलॉग में एक मेल और एक फीमेल टाइगर को देखा था। तो वो भी उस टाइम मेटिंग सीजन था, जैसे अभी नवंबर का महीना तो मेटिंग सीजन है, तो मेल फीमेल इकट्ठे थे तो बड़ा अच्छा लगा था। यहाँ पे कई जिप्सीज थी जो उसको कैप्चर कर रही थी, बट यहीं पे सामने वाले एरिया में ही मेल और फीमेल बैठे हुए थे। तो अभी भी हमें मेल टाइगर की बहुत काफी मूवमेंट मिली है। इसी रास्ते पे जिस रास्ते से हम यहाँ पे पहुंचे हैं यहीं से मेल टाइगर चलता हुआ काफी आगे तक गया है। सो पीछे एक जिप्सी को कॉल भी सुनाई दी थी। सो लेट्स सी अगर हमें हम उस टाइगर को ट्रैक करने की कोशिश करें, अगर हम देख पाते हैं तो उन्हीं कैटल्स को मार मार के खाता है सर। पानी वगैरह फिर अपने आप नेचुरली रहता है या फॉरेस्ट वाटर की भरता है? बारिश का पानी रहेगा, उसके बाद फिर हम वाटर प्रोवाइड कराते हैं सर एनिमल को। अच्छा अच्छा, पानी तो मैन है सर, वाटर ही प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि जब पानी रहेगा तभी एनिमल साइटिंग भी हो पाएगी। फिर और एनिमल को पानी तो खैर चाहिए ही चाहिए। चाहिए जी सर, खासकर गर्मियों में टाइगर को। हाँ, यहाँ टाइगर जब हैवी मील यूज करता है ना तो साइज भी हैवी हो जाता है सर। हाँ, यहाँ का सर अगर आप टाइगर देखोगे तो निकाला पिंजरानी के टाइगरों से काफी हैवी है सर यहाँ के टाइगर। अच्छा, आप जंगल देख सकते हैं कितना डेंस जंगल है, वेजिटेशन इतनी डेंस होने की वजह से ना जंगल के अंदर विजिबिलिटी बहुत कम है। ये लेंटाना है सारा, जंगल में हम घूम रहे हैं और टाइगर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस जोन में करीब 50 जिप्सीज अलाउड होती हैं, तो जिप्सीज ऑफ कोर्स हमें काफी मिल रही हैं। देखिए मेरे पीछे एक जिप्सी चल रही है और इस साइड भी अगर आप देखेंगे हमारे आगे वहाँ पे भी जिप्सीज हैं। तो अब हम एक और पैच ऑफ फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, देखते हैं कि यहाँ पे कोई हमें टाइगर प्रेजेंस का कोई साइन मिलता है। तो देखिए काफी डेंस जंगल है ये वाला, इस मोमेंट पर बहुत ही सुंदर तो डेंस जंगल है ये चारों तरफ। यहाँ पे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फाटर जोन एक्चुअली इतनी खूबसूरत होगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज इस जोन में आके और इतने डेंस और इतने सुंदर जंगल को एक्सप्लोर करके। टाइगर के पगमार्क्स हमें यहाँ पे भी मिल रहे हैं सड़क के ऊपर, एक फीमेल टाइगर के पगमार्क्स हमें 3-4 बार मिल चुके हैं, यानी रात में अर्ली मॉर्निंग में उस टाइगर्स की भी मूवमेंट हुई है। सब देख सकते हैं कि जंगल कितना डेंस है यहाँ। तो धीरे धीरे हम इस जंगल में आगे बढ़ रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी तक कोई अलार्म कॉल हमें सुनाई नहीं दी है, एक अलार्म कॉल जो आई थी वो दूसरी जिप्सी को सुनाई दी थी। सो जंगल उस हिसाब से काफी साइलेंट है सो फार। ये जो पेड़ मेरे सामने है ये हमारे गाइड साहब ने बताया कि इस पेड़ को लाफिंग ट्री बोलते हैं, कहते हैं कि अगर इस पेड़ को कुछ हाथ लगाया जाए तो पेड़ पूरा नीचे से लेके ऊपर तक हिलता है। तो एक छुई मुई का एक पौधा होता था जो हमारे बचपन में हम अपने घरों में लगाया करते थे, जिसको टच करते ही उसके जो लीव्स होते थे वो कोलैप्स कर जाते थे। तो ये उसी तरीके का कुछ पेड़ लग रहा है। ग्रासलैंड डेवलप होगा सर। अच्छा, यहाँ ग्रासलैंड बनेगा इस एरिया में। ना कमेरे ग्रास है। अच्छा अच्छा, वाइल्ड बोर सर, वो वाइल्ड बोर सामने। हाँ जी, वाइल्ड बोर। इनकी स्किन ना बहुत हार्ड होती है, अगर कोई स्नेक इनको बाइट कर ले तो इनके स्नेक का बिना इनकी बॉडी में इंजेक्ट नहीं हो पाता। और टाइगर को अगर इसको अपना किल बनाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये देखिए हमारे सामने इस वक्त हिमालयन ग्रिफिन वल्चर बैठे हुए हैं, तीन वन ऑफ द लार्जेस्ट वल्चर्स हैं यहाँ पे। जब उड़ते हैं तो इनका विंग स्पैन करीब 7-8 फीट तक जा सकता है, लेकिन इस वक्त अर्ली मॉर्निंग में सन बेदिंग कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। देखिए कि रिवर बेड पे आ गए हम यहाँ पे, ये मॉनसून रिवर है, ये एक मॉनसून रिवर बेड है जहाँ पे ऑफकोर्स साइटिंग के चांसेस अच्छे हो जाते हैं जब एनिमल यहाँ से क्रॉस करे। तो करीब आधी सफारी हमारी हो चुकी है और लेकिन जंगल इतना सुंदर है कि टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है एज यूजुअल, और काफ़ी डेंस जंगल है। तो जंगल में ना विजिबिलिटी आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ज़्यादा नहीं है, तो
वी आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन पग मार्क्स और एनी अलार्म कॉल. अलार्म कॉल अभी तक आई नहीं है. थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एनिमल मूवमेंट हो नहीं रहा, क्योंकि अगर टाइगर मूव करेगा जंगल में तो अलार्म कॉल कहीं ना कहीं से जरूर आएगी, क्योंकि जो डियर स्पीशीज होती हैं जब वो टाइगर को देखती हैं तो इमीडिएटली अलार्म कॉल करती हैं, चाहे वो स्पॉटेड डियर हो चाहे वो सांबर डियर हो. सो वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग जंगल में. एक बात जो मेरे एक्सपीरियंस ने हमेशा मुझे बताई है वो ये है कि जंगल में टाइगर साइटिंग आखिरी के 10 मिनट में 5 मिनट में भी हो सकती है. सो वी हैव स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, क्लोजर टू 2 आवर्स स्टिल इन द जंगल. सो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और होपफुली टाइगर दिखेगा और आपको भी दिखाएंगे. ये देखिए एक और वाटरहॉल आ गया है, लेकिन यहाँ पर भी कोई टाइगर मूवमेंट नहीं दिख रही है. अभी जंगल काफी शांत है, इस वाटरहॉल पर भी ना कोई डियर स्पीशीज है आसपास. बर्ड्स की चहचहाहट जरूर सुनने को मिल रही है. ये सामने वाला जो आप सारे देख रहे हैं झरना रेंज है, जो आप मेरे सामने वाला जंगल देख रहे हैं. और यहाँ नीचे ये जो आपका नीचे वाला एरिया है, ये यहाँ पे देखिए ये टाइगर के पग मार्क्स हैं. तो यानी टाइगर यहाँ से आज सुबह किसी वक्त ये सामने वाले इस रास्ते पे आ गया. सर वो देखिए एक दो साल का जो बी शेप जा रहा है नीचे से. हाँ जी, जो रैपिड की तरफ जा रहा है, सर चार पैर दिख रहे हैं भाई, ब्राउन कलर के कटे हुए. एक मिनट, ये देखिए सामने ना पेड़ के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये लेपर्ड की किल है. ये गाइड साहब कल की है ये किल, तीन दिन पुराना किला. देखिए पैर लटका हुआ आपको दिख रहा होगा. देखिए कितना सुंदर नजारा है एक जंगल में. लेपर्ड हमेशा अक्सर पेड़ के ऊपर ले जाके एनिमल को खाता है, ताकि उसे कोई और प्रेडेटर खासतौर पर टाइगर परेशान ना करे. और यहाँ हमारे सामने एक उसका जीता जाता सबूत है, जहाँ पे लेपर्ड पेड़ के ऊपर किल को लेके गया. ये हम इको टूरिज्म जोन फाटो के कैंपस में पहुंच गए हैं, जहाँ पे जिप्सीज अक्सर यहाँ पे सब लोग आके ब्रेक लेते हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट्स लेते हैं, वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं. आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ आज यहाँ पे. FRH पर थोड़ी सी ब्रेक लेने के दौरान कुछ लोगों से बात हुई, तो पता लगा कि अर्ली मॉर्निंग कुछ सफारीज को टाइगर साइटिंग हुई है एक फीमेल टाइगर की, लेकिन वो काफ़ी कम लाइट में हुई थी. ऑन द रोड टाइगर चल रही थी. आई थिंक जो हमें शुरू में सफारी के बिगनिंग में जो टाइगर के पग मार्क्स मिले थे वो उसी फीमेल के थे, अपार्ट फ्रॉम द मेल टाइगर जो हमने देखा था. तो दोबारा से हम उस एरिया की तरफ भर रहे हैं और कोशिश करेंगे अगर वो फीमेल अगर अभी भी मूव पे हुई या मेल मूव पे हुआ तो फिर चांसेस बन सकते हैं टाइगर के. सो लेट्स सी क्या बनता है. बाकी जंगल आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत है. तो जंगल में घूमने का अपना ही मजा है इस फाटो जोन में, बट हाँ टाइगर मिल जाए तो फिर तो सफारी करने का जो असली मजा आता है वो आता ही है. सो वी आर वेटिंग टू सी द टाइगर. अच्छा एलगी की वजह से रेड हो रखा है. अच्छा ग्रेट ग्रेट बैठा हुआ अंदर पानी में. ये देखिए सामने टर्टल्स हैं 3 जो सनबेदिंग कर रहे हैं वहाँ पे पॉन्ड के बिल्कुल कॉर्नर पे. सो भी हम FRH के नज़दीक ही एक पॉइंट पे रुके हुए हैं, जहाँ पे अक्सर जो टाइग्रेस है यहाँ से क्रॉस करती है. तो हम वेट कर रहे हैं कि शायद कोई टाइगर मूवमेंट का साइन मिले हमें या कोई अंदर से अलार्म कॉल आए इस एरिया में. क्योंकि मेरे पीछे वाला एरिया है वो पीछे से भी क्रॉस कर सकती है, क्योंकि पीछे वाला एरिया दोनों तरफ के इतिहास में हम ना तरफ रहे, जहाँ से भी अगर हमारा लक साथ दे और किसी भी साइड से टाइगर क्रॉस करे तो. दोबारा से हम फिर से उसी वाटरहॉल पे आए जिस पर पहले आए थे, लेकिन यहाँ पे अभी भी कोई एक्टिविटी नहीं है. सो जंगल काफ़ी शांत है. अर्ली मॉर्निंग टाइगर मूवमेंट के अलावा दोबारा कोई टाइगर मूवमेंट नहीं हुई है, और भी इतनी सारी जिप्सीज से हमने बात वगैरह करी है, लेकिन कहीं से कोई और मूवमेंट का पता नहीं लगा. तो जो थोड़ा सा टाइम बचा है उसमें अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्योंकि एज ऑलवेज वाइल्ड लाइफ इज कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल. सो लेट्स सी व्हाट कम्स आवर वे.
फिर से हम एक वाटर होल पे आए हैं। धीरे धीरे हम एग्जिट गेट की तरफ ही जा रहे हैं देखने के लिए शायद यहाँ पे ऑन द वे बैक कोई मूवमेंट मिल जाए। देखिए हिमालयन वुड पैकर की फीमेल है ये सामने, आपको उसकी नॉक नॉक की साउंड सुन रही होगी। वन ऑफ द लार्जेस्ट वुड पैकर्स है ये। टाइगर तो हमें इस वाटर होल पर नहीं मिला, लेकिन इस एरिया में बर्ड एक्टिविटी बहुत अच्छी मिली। स्पैंगल्ड रोंगो मिला, प्लमेटेड पैराकिट मिला। तो आज अभी तक हमारी किस्मत टाइगर को लेकर अच्छी नहीं रही है इस सफारी में, बट जंगल एक्सप्लोर करके बड़ा मज़ा आया। आखिर के कुछ मिनट्स में देखते हैं अगर किस्मत साथ देती है तो। टाइगर तो हमें नहीं मिला, लेकिन फाटो से निकलते निकलते एक ऐसी चीज़ ज़रूर मिल गई जो टाइगर जितनी ही एंडेंजर्ड है। ये हैं वाइट रंप वल्चर्स, जो 1980 तक लाखों की तादाद में पाए जाते थे, और अब इनकी टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन सिर्फ 5-6 हज़ार ही रह गई है। सो इनके इतने बड़े फ्लॉक को देखकर मजा आ गया। उम्मीद है आपको आज का ये सफर पसंद आया होगा। ऐसे ही जंगल एक्सपीरियंसेस को देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए स्टेप इन द वुड्स।